जालोर जिले के आहोर थाना क्षेत्र के पांचोटा गांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। यहां खेत में सोती नाबालिग को आरोपी जबरन ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़िता रात को अपने खेत पर बनी झोपड़ी में सो रही थी, तभी रात को 12 बजे के आसपास आरोपी पकाराम मीणा वहां आया और उसके हाथ पांव बांधकर खुद के खेत पर ले गया। इसके बाद नाबालिग के साथ बलात्कार किया। देर रात को 3 बजे पीड़िता वहां से भागकर अपने खेत पर वापस आई और पूरी घटना अपनी मां को बताई। दूसरे दिन उसकी मां और पिता पीड़िता को लेकर चांदराई पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन वहां उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 2 दिन तक पुलिस टाल मटोल करती रही और आखिरकार आज पीड़िता और उसके परिजन आहोर थाने पहुंचे, जहां पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई गई है। पांचोटा गांव की नाबालिग बच्ची के साथ में 18 तारीख की टेप की घटना की रिपोर्ट आई, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है आईपीसी और पोस्को में। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। इसमें मुजरिम कौन है सर? इसमें पक्काराम मीणा है, भवरानी। ठीक है सर, थैंक यू। गौरतलब है कि राजस्थान में नाबालिगों और महिलाओं से रेप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस तरह के प्रकरण जहां नैतिक मूल्यों में गिरावट को दर्शाते हैं, वहीं आहोर के इस मामले में पुलिस की ढिलाई को भी अफसोसजनक कहा जाएगा।